हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना जायकेदार। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फूल गोभी की रेसिपी। फूल गोभी तो आपने बहुत बार बनाई खाई है, मसाले में बनाई है, गोभी काट के बनाई है, आलू मिक्स करके बनाई है, तरह तरह से बनाई है। लेकिन हम कभी कभी एक जैसे सब्जी खा के बोर हो जाते हैं, तो आज हम कुछ हटके स्पेशल बनाने वाले हैं, वो है साबुत फूल गोभी मसाले वाली। हम इसको पीछे से पत्ते काट लेंगे और डंठल थोड़ा सा काट लेंगे, बाकी फूल वैसे ही एज इट इज रहेगा। उसको हम नमक वाले पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। घर में अगर किसी को आपने इनवाइट किया है खाने पे, या फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को पसंद आएगी। आपको भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं फूल गोभी साबुत मसाले वाली। ये हमने मसाले वाली साबुत गोभी बनाने के लिए क्या लिया है हम देख लेते हैं। ये मैंने गोभी ली है, एक छोटा फ्लावर। इसको मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, काट दिए हैं, और थोड़ा सा पीछे का डंठल भी, आधे एक इंच का, वो भी हटा दिया है। इसको मैंने एक पतीले में बॉईल किया है, ये देखिए इस तरह, यानी पतीले में पानी लिया है 3 ग्लास, जितना कि ये फ्लावर उसमें डूब सके। आधा छोटी चम्मच नमक डाला है और उसको 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल करके निकाल दिया है पानी के बाहर, जिससे कि गोभी थोड़ी सी पक गई है। ये ली है मैंने 3 टोमेटो की प्यूरी, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्ची भी पीस के रखी है, 2 मीडियम साइज के प्याज, ये भी मिक्सर में पीस के रख दिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में 2 से 3 कड़छी तेल डाल देंगे और उसमें सबसे पहले ये मसाले भून लेंगे। ये हमने कढ़ाई में 3 कड़छी तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे प्याज पीस के रखा था, इसके बाद में हम डालते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, ये हमारा प्याज का मसाला भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, इसको भी हम थोड़ा भून लेंगे। जैसे ये भून जाएगा, कढ़ाई तेल छोड़ने लगेगी, इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तीन से चार मिनट हम वेट कर लेते हैं। ये हमने जो टमाटर प्यूरी डाली थी, ये भी भून गई है। देखिए कढ़ाई तेल छोड़ने लगी है, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक टेबलस्पून मलाई ली है। मलाई डालने से इसका टेक्सचर अच्छा आएगा, टेस्ट में भी थोड़ा फर्क आएगा। अगर हम स्पेशल सब्जी बना रहे हैं तो टेस्ट भी थोड़ा हटके होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी मलाई, यानी एक टेबलस्पून मैंने मलाई ली है। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं। नमक का ध्यान रखिए क्योंकि हमने गोभी बॉईल करने के टाइम थोड़ा नमक डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक डालिए। थोड़ा पानी डाल देते हैं। हमको ज्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। मैं और एक ग्लास पानी ऐड करूंगी इसमें। ये थोड़ी बॉईल हो जाए उसके बाद में हमने जो फ्लावर यानी फूल गोभी उबाल के रखी है वो इसमें इस तरह डाल देंगे, ऊपर से ये ग्रेवी उसके ऊपर डाल के हम पकने देंगे। तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसे ये ग्रेवी बॉईल हो जाएगी हमको गोभी डालनी है। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। आपके पास में जो भी गरम मसाला अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। देखिए टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है इसका। अब हम ये फूल गोभी जो बॉईल करके रखी थी हम इस पोजीशन में इसको डालेंगे, और ये जो ग्रेवी है हम साइड साइड से इसके ऊपर डालते जाएंगे। इसको भी हम 5-7 मिनट पकने देंगे। ये ऑलरेडी पकी हुई होती है यानी अधकच्ची होती है, तो मसाला अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए गोभी और पक जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इस तरह आप हल्के हाथ से ये ग्रेवी इसके ऊपर डालते जाइए। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको 5-7 मिनट पकने देते हैं। उसके बाद में हम चेक कर लेंगे और धनिया, हरा धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं हमारी साबुत गोभी कहाँ तक के पक गई है। गुड, ये देखिए थोड़ी ग्रेवी भी सूख गई है। आपको बीच में एक हाथ बार और इसको इस तरह से पलट के ये ग्रेवी इसके अंदर डालनी होगी। 5 मिनट तो हो गए हैं, अभी हम वापस 2 मिनट के लिए और इसको बॉईल होने देते हैं इस ग्रेवी में, तो मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेंगी गोभी। और 2 से 3 मिनट के बाद में हम इसको खोल के देख लेंगे, धनिया से गार्निश कर लेते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली अभी। जी गोभी तो बहुत अच्छी बन गई है। ये देखिए
ग्रेवी आप ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आपको इतना गोभी का फूल 3 से 4 मेंबर के लिए सफिशिएंट है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 गोभी के फूल बना सकते हैं। आपको कढ़ाई थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। ये देखिए, अगर आपको चेक करना है ये पकी या नहीं तो हम साइड से एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं। ये देखिए टुकड़ा टूट रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको करते हैं धनिया से गार्निश। ये हमारी साबुत फूल गोभी बनके तैयार है। ये देखिए लग रही ना बहुत अच्छी। माय डॉटर्स लव दिस रेसिपी वेरी मच। जब भी वो मेरे पास आती है उनकी पहली फरमाइश होती है कि मम्मा साबुत गोभी फूल गोभी बनाइए। आप भी अपने परिवारजनों के लिए बनाइए और सबको खुश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।